पिंडाल में हम इंतजाम में जब मसरूफ थे तो ये बात मुशाहदे में आई कि इमरान न्याजी की हुकूमत ने 150 सीसीटीवी कैमरा पंडाल के अतराफ में स्टेज के पास सिक्योरिटी के का बहाना करके लगाया और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वुजरा, वो चाहे सुबाई वुजरा हो, वो वाकी वुजरा हो, वो तमाम तर लोग टीवी पे जलसा नहीं देखा उन्होंने, उन्होंने इन सीसीटीवी कनेक्शन पे जलसा देखा। और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे चार दिन जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान सुबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ ये रेफरेंडम था और इस रेफरेंडम को इमरान न्याजी साहब ने बराह रास्त सीसीटीवी पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीडीएम के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने सीनियर वजीर को कहते हैं इनसे राबता करो और इनसे कौन बैठ के बात कर लें। तो जिस तरह हमने पहले कहा आटा, बिजली, चीनी, एलएनजी, अदवियात, आपको कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला, आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे, वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी, आपने इस बारे में फिक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत, आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पर शायद कानूनी तौर पर वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है तो मैं पिछले 2.5 साल से वकला भी और मैं लीगल पैनल का भी हिस्सा हूं, हम पूछ रहे हैं किस सरकारी खजाने में, किस सरकारी प्रोजेक्ट में, किस सरकारी टेंडर में, किस सरकारी ठेके में करप्शन की गई है, हमें बताया जाए। नैब ये बताने से कासिर है कि करप्शन कहां हुई है, क्योंकि करप्शन नहीं हुई। हमने आज एक दरख्वास्त दी है एहतसाब अदालत को कि जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें उनके मौलजीन को शामिल किया जाए और बर वक्त उनका इलाज करवाया जाए और ये वक्त गुजर जाएगा। हम दोनों हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हौसले बुलंद हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जेल काट रहे हैं और आज भी जब वो आए तो लीगल केस और प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हुई, मगर हमें पता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसके नतीजे में आगे डॉक्टर्स का बोर्ड बनना है और मजीद टेस्ट होने हैं, ये हमारा कानूनी हक है। अगर उस दरखास्त पे अमल दरामद सुपरिंटेंडेंट की तरफ से ना किया गया हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे एहतसाब अदालत में और अपना कानूनी हक लेकर रहेंगे। अभी तक कई केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें क्लियर कट पता है कि कसूरवार कौन है। फैसल वाडा साहब का केस पिछले कई माह से उसमें कोई फैसला नहीं आ रहा और ये बात साबित हो चुकी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल थे जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। और कौन सा कानून है जो कहता है कि जहांगीर तरीन खुला फिरे 56 करोड़ की सब्सिडी लेने के बाद, चीनी महंगी करने के बाद, एनआरओ दे के बाहर भेजा रात के अंधेरे में और दिन दहाड़े वापस बुलाया, इतनी दीदा दिलेरी? कोई है पूछने वाला कि जहांगीर तरीन जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है ये कहकर कि अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो ये सबूत मिटा देंगे, ये ताकतवर हैं, ये शवाहिद गायब कर देंगे। और भाई हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमती सफों में जो चोर बैठे हैं जिन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी की हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अब जो FIA और एंटी करप्शन पंजाब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ हर जिले में
कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। पिंडी से हमारे एक्स एमपीए सरफराज अफजल रिहा हो चुके हैं बेल पे। गफार डोगर साहब मुल्तान से एक्स एमएनए, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। एहसन रजा खान एक्स एमपीए कसूर, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। और एक फोमी बट नामी शख्स का बुखार इनके सर पे सवार है। उसके घर रात के अंधेरे में छापा मारा गया। उसकी बीमार वालदा के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कल पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज किए गए, क्योंकि शहजाद अकबर और शहबाज गिल उनको कुछ लोग पसंद नहीं हैं और वो ये कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं यहां पे एफआईए के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूं, हमें आपके नाम पता है, हमें आपके कवायद भी पता है, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान नियाजी के जाती मुलाजिम नहीं हैं। उतना करें जुल्म जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। और ये पर्चेबाजी का सिलसिला, मरियम औरंगजेब पे पर्चा, मेरे पे पर्चा, तमाम क्यादत पे पर्चे, हम पर्चों का हार बनाएंगे और आपके गले में डालेंगे। इतने पर्चे काट के आपका क्या ख्याल है कि आपने जब पीटीवी पे हमला किया, आपने जब पार्लियामेंट के गेट तोड़े, आपने जब कब्रें खोती, हमने तो एक पत्ता नहीं टूटने दिया। आपने पूरी कोशिश की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने खवातीन से बदतमीजी की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने वहां पे खराबी करने की कोशिश की, मगर हमारा कारकुन पुरमन रहा, हमने आपकी स्कीम कामयाब नहीं होने दी। तो इसलिए आपने जेल जाना है और आपको एनआरओ नहीं मिलना। हमारे केसेस में एक धेले की करप्शन आज भी साबित कर दें तो हम सियासत छोड़ देंगे। ना करप्शन है ना साबित होगी। आपका आपके इख्तदार का इख्तिताम अनकरीब आने वाला है। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक अपना पूरा लायामल दिया है 31 जनवरी तक, जिसके अंदर हर सूबे के अंदर एक मार्च है और उस मार्च को ली पाकिस्तान की आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है और जिस बेरोजगारी में, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन और डाका जो इस वक्त मुल्क की सरकारी खजाने पर डाला जा रहा है, 2.5 साल में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तो सरकारी खजाने के एक रुपए का जो है वो इल्जाम तक साबित नहीं हुआ किसी किस्म का, एक धेले का। और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं एक धेले का इल्जाम साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन जो ये इस वक्त करप्शन और मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है उसके खिलाफ 31 जनवरी तक हमारा हर सूबे में एक एहतजाजी मार्च है और उसके बाद वो कल्मिनेट होगा लॉन्ग मार्च में, जो 31 जनवरी की हमने डेट दी है कि आप इस्तीफा दें। ये तमाम चोर डाकू झूठे ना अहल ना लायक जिन्होंने मुल्क को 2.5 साल में इस नहज पर पहुंचाया है वो सब इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना 31 जनवरी के बाद जो ये मार्च है प्रोविंशियल वो लॉन्ग मार्च में तब्दील होगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। पीडीएम का क्या प्रोग्राम है? पीडीएम का क्या प्रोग्राम है 31 जनवरी तक? यही बताया मैंने, कुछ लिखने का बताया? नहीं, मैंने पीडीएम का बताया। पीडीएम का जो लाए अमल है वही मैंने बताया है कि हर सूबे में एक एहतजाजी मार्च है और उसके बाद पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मार्च हैं और वो मार्च जो हैं वो लॉन्ग मार्च में, अगर इन्होंने 31 जनवरी तक इस्तीफा नहीं दिया तो वो कल्मिनेट होगा। मैडम एक चीज बता दीजिए कि जो है ज्यादातर जोर जो है वो यही बताया जा रहा है कि सैनेट इलेक्शन रोकने के लिए किया जा रहा है और हुकूमत इस दफा कह रही है कि कबल अजमत जो है सैनेट के इलेक्शन करवाई देंगे फरवरी में। ये क्योंकि फासिस्ट ऑर्डिनेंस पे चलती हुई पार्लियमान है और इस पार्लियामेंट के अंदर ना कोई जमहूरियत है ना कोई पार्लियामानी रूल्स के मुताबिक ये पार्लियामान चलाई जा रही है। अभी तक जो कानून साजी तो इनके बस की बात ही नहीं क्योंकि वो इनके अंदर कैपेसिटी नहीं। फैक्टर्स की भी जो कानून साजी थी वो अपोजिशन ने कराई थी, वो तमाम तरामीम अगर आप देखें जो ये फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ थी वो हमने ठीक कराई थी, इन नालायकों से वो भी ठीक नहीं हुई। तो कानून साजी तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक सरकारी ऑर्डिनेंस जरूर आता है जिसके जरिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बात ये है कि ना, जैसे पहले कहा कि ना ये किसी तरह की इख्तदार की तहरीक है और सेनेट के इलेक्शन और इमरान साहब का घर जाना और पीडीएम की तहरीक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह 31 जनवरी
से पहले ये इस्तीफा दें और ये घर जाएं, और सेनेट का जो एक तरीका कार है वो वजा है 2017 इलेक्शन एक्ट के अंदर, और उसके मुताबिक ही वो होगा। इनकी मर्जी और इनकी मंशा के ऊपर इनकी कोई बात भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, वफाकी वजीर अली ज़ैदी की जानिब से कहा गया है कि जो पीडीएम के अरकान है मेंबरान असेंबली, वो अगर 31 जनवरी का इंतजार ना करें, पहले जो 5 अरकान है इस्तीफा दें, उनको मैं अपनी जेब से उमरे के टिकट दूंगा, पेशकश अच्छी है, क्या कहते हैं? मैं क्लाउन्स और जोकर्स का जवाब देना नहीं चाहती। हाँ जी, और कोई सवाल? थैंक यू।